नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करिए हाई स्पीड में। और बात करने वाले राजस्थान के सीकर में हुए जाट राजपूत आमने सामने। आपको बता दें कि 17 तारीख को दुल्हन अपहरण के बाद सीकर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि जहां दो जातियां आपसी में टकराव में बनी हुई। आपको बता दें कि ऐसा क्यों है, आखिर क्यों जाट और राजपूत आमने सामने खड़े हो गए, इसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बता देते हैं कि आखिर जाट राजपूत आमने सामने क्यों हुए। तो आपको बता दें कि 17 अप्रैल को दुल्हन अपहरण के बाद कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेडी ने जाटों को धमकी दे डाली। हो सकता है मैं आज एक घंटे में उनकी दस टोलियां लूट करके ला करके यहाँ बिठा सकता हूँ, उनको हमारी बहन समझ के इज्जत से, उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। जाट ये समझते हैं क्या कि हम ही यहाँ जिएंगे राजस्थान में? नहीं, ये 35 कौम जिस दिन चाहेगी ना राजस्थान की एक हो गई, उस दिन इनकी राजनीति को उखाड़ करके फेंक देगी। तो आपको बता दें कि सुखदेव गोगामेडी के इसी बयान के बाद जाटों का गुस्सा मंडरा गया और उन्होंने भी अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी और सीकर को बंद कर दिया। और आपको बता दें कि प्रशासन ने 25 अप्रैल को सीकर में पूरे दिन इंटरनेट सेवा वो बंद रखी। और आपको बता दें कि धरना अभी भी जारी है। और आपको बता दें राजपूत समाज और जाट समाज के बीच अभी भी सीकर के अंदर, सिर्फ सीकर के अंदर जातिवाद के विवाद है वो बना हुआ है।